अस्सलाम वालेकुम, लेज़ी अपलोडर हेयर। आज मैं आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ ऑफ आवर न्यू रोटीमेटिक हैप्पीनेस इज़ होममेड। ये उसका पैकिंग बॉक्स है। बेसिकली मलेशिया से शिप होके आता है और आपके वो इसके लिए एक मोबाइल फ़ोन और घर में वाईफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होती है ऑन फर्स्ट यूज़। हाउ टू ओपन द बॉक्स, रिमूव द सील एंड ओपन द फ्लैप्स, रिमूव द अपर प्रोटेक्टेड फोम, पुल मशीन अप, प्लेस ऑन फ्लैट सरफेस। सो बेसिक स्टैंडर्ड उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इस साइड पे भी उसकी इमेज है। इस वीडियो में आप 1:1 रेशो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट इतनी ही चीज़ है बॉक्स के अंदर और मिनिमम फोम उन्होंने इस्तेमाल किए। पैकिंग भी अच्छी हुई है सच। सो बेसिकली इट इज़ डिज़ाइंड इन सिंगापुर लेकिन मेड इन मलेशिया। ये उसका मॉडल नंबर है जो कि स्टैंडर्ड ही है। सो वेबसाइट इनकी हैरान कन बात है, US है। यू पे इन US डॉलर्स, फिर ये मलेशिया से आपको डिलीवर होता है और ट्रैकिंग भी देते हैं, जारी बात है। लेकिन देखा वो लेते US डॉलर से में हैं, लेकिन आता आपसे आपको मलेशिया से। चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए हर तरफ मैसेजेस ही मैसेज, वेलकम टू द फ्यूचर। ओके जी, देखते हैं फ्यूचर क्या है। अच्छा, तो बेसिकली ये चीज़ें इसके साथ आई हैं। एक अदर यूज़र मैनुअल है जो कि हमने इतना नहीं पढ़ना होता। ऑब्वियसली बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें ये थे COM फाउंडर। अमेजिंगली ये इंडियन है, मैंने सोचा और एक अच्छी चीज़ बनाई। हम जैसे जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास टाइम कम है, यू हैव अ वेरी बिजी लाइफ, ये उतनी सपोर्ट की ईमेल है। अच्छा जी, तो ये हो गया यूज़र मैनुअल। उसकी लोकली वेबसाइट, अच्छा उसकी ग्लोबल वेबसाइट है, उसके इंस्ट्रक्शंस सारी हैं। ये क्लीनिंग बिट है जो कि वंस इन ए वाइल, जब भी आपने वंस इन ए मंथ क्लीन करना है। और ये मैंने देखा है कि जितना क्लीन आप रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रोटियां बनती हैं। और ये हमने क्यों लिया, इसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ उसकी वजह क्या है। तो ये उसकी क्लीनिंग बिट है, ये उसकी पावर केबल है। देखिए ये तो ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ से ये डिफरेंट है, तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। थोड़ी सी डिफरेंट इसकी केबल है, लेकिन उम्मीद है ये हर किस्म की बाकी केबल्स भी साथ देते होंगे, अनलेस मुझे फिर लेनी पड़ेगी। ये तो चाइनीज़ लग रही है केबल, लेकिन ये इसके साथ आती है। और ये इसका जो है ना, वही मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टाइल का प्लग है। अब यहाँ पे ये लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखना पड़ेगा। इसके अंदर फ्यूज़ भी है। चलो ठीक है जी, केबल हो गई, मैनुअल हो गया और ये सफाई का सामान हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। कहाँ से ओपन होगा, तो इसकी पैकिंग है। ये अंदर डिवाइस पूरी है, कुछ और है साइड हो गया कभी बार। और ये क्या, केबल्स लग रही है, एक्स्ट्रा केबल्स, पावर कॉर्ड फॉर ANZ। तो इसका मतलब है कि आपको दो केबल्स मिलती हैं, एक वो स्टैंडर्ड और एक आपके जो भी रीजन आप सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि वेबसाइट पे एक ऑप्शन थी कि किस रीजन को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये देखें, इस ये है ऑस्ट्रेलियन केबल, इस साइड पे है 16 एम्पेयर एंड 250 वोल्ट्स।
V8C19 इस साइड पे है और दूसरी तरफ ये देखिए ये अपनी आगे की वाली, तो ये डायरेक्ट वॉल में इस तरह ही लग जाएगी। पावर कॉर्ड एंड जेड कभी कभार फोकस नहीं करता, कभी कभार करता है। ZE-A01 ये मैं पार्ट्स नंबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको पार्ट दोबारा कोई ऑर्डर करने पड़े, वैसे उनकी वेबसाइट पे सब कुछ है। तो ये है जी, मैंने उसकी पैकिंग में एक अच्छी खासी पैकिंग थी ये सोच निकला, ये बेसिकली मैं बिन में फेंक दूंगा, ये उसका एक ड्राई रहता है नमी के लिए। ये है जी माशाल्लाह, ये उसका चेंबर है, अच्छा तरफ उसको पैक किया हुआ है। ये उसके अलर्ट्स भी हुए हैं, कॉशन इधर से दिखाते हैं, ओवन टाइप है नीचे से। ये उसके तीन चेंबर्स हैं, बेसिकली आटा इस चेंबर में जाता है। शाइनी, इसमें ऑयल जाता है नॉर्मल ऑयल, तो हम तो वैसे कनोला ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वही मेरे ख्याल से इसके लिए रेकमेंडेड है। और इसमें पानी जाता है नॉर्मल पानी, इसे कहते हैं टूटी का पानी, वो इसमें जाएगा। वेरी गुड। इस तरफ एक अदद फैन है, ऑब्वियसली जब हीटिंग होगी तो फैन ज़रूरी है, तो सब चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन उसकी। पीछे की तरफ से भी एक अदद फैन है और ये उसकी पावर सप्लाई कॉर्ड जहाँ पे प्रोवाइडेड पावर कॉर्ड इंस्टॉल होगी। ये उसकी डिटेल्स हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड पावर इनपुट 1600 वॉट है। और एक ये यूएसबी है जो कि अगर इसका कभी सॉफ्टवेयर अपडेट या मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो अगर आप कर सकते हैं, लेकिन हम सर्विस सेंटर उसके लिए जाना पड़ेगा। इनसाइड उसके चेंबर्स हैं, सॉलिड वैसे बना हुआ प्लास्टिक। अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको प्लग इन करते हैं अपनी जगह पे रख के। सिंपल पावर कॉर्ड में लगाई है, इन चीज़ों के अभी मैंने सिर्फ प्लास्टिक और बाकी चीज़ें उतारी हैं। Rotimatic is a learning machine and is adapting during the first few rotis. Your rotis will get even better with time. ये उन्होंने कुछ recommended companies के आटा जो है वो लिखे हुए हैं, पता नहीं यहाँ पे कौन से मिलते हैं कौन से नहीं मिलते, लेकिन उनकी वेबसाइट पे और भी कंपनियों के नाम हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं, बिफोर यू बिगिन सेटअप एंड मेंटेनेंस, इंप्रूव परफॉर्मेंस, कनेक्ट विद कम्युनिटी, ये तो बात की बातें। ट्रेडमार्क्स, अच्छा ये ऐप है, क्या आपने इसकी ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप का नाम क्या है। इम्पोर्टेंट सेफ कार्ड, ऑल गुड। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इंटरेस्टिंग, ऑटो स्टार्ट नहीं होता, दोबारा करके देखते हैं। हाँ, आपने इधर से इसको ऑन करना है। हेलो देयर, लेट्स गेट यू सेट अप, शैल वी। Sure, let's go. Install Rotimatic app. Okay, so this is the app to activate my warranty. Sahi. तो ये मुझे पहले फ़ोन पे डाउनलोड करनी पड़ेगी Rotimatic app, जो कि फिर इसके साथ कम्युनिकेट करेगी विद वाईफाई। तो मैंने इंस्टॉल वो कर ली है, लेट्स गो टू द ऐप, वेटिंग फॉर द फोन टू कनेक्ट। चलो ये देखते हैं, यप मेरा वो ऐप कनेक्ट हो गई एंड उसने इसको सर्च करना शुरू कर दिया, और फिर वो आपसे घर का इंटरनेट
क्रेडेंशियल्स मांगता है. वंस यू पुट इट इन द ऐप वो इसमें डाउनलोड हो जाता है एंड देन इट्स स्टार्ट्स टू रजिस्टर इटसेल्फ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. इसने थोड़ा टाइम लिया है. मेरे ख्याल से इसके स्टेप्स में ये सीरियल नंबर और रजिस्टर भी करता है आपके यूज़र नेम के साथ कि इट इज़ एक्टिवेटेड नाउ. ये वैसे अच्छी चीज़ है इन ए सेंस बिकॉज कई दफ़ा हम चीज़ें लेते हैं और हम वारंटी रजिस्टर नहीं करवाते. ओके आई एम रेडी सेटअप ऑल डन. अब जब टाइम पड़ता है तो वो अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं व्हाट डू यू वांट टू कुक. तो ये रोटी बना सकता है पूड़ियाँ बना सकता है पिज़्ज़ा बाजरा और क्या क्या है और जो बार आई हैव नो आईडिया व्हाट दैट इज़. बेसिकली हमने तो रोटी के लिए लिया है. तो ये बटन उस वक्त नहीं चलते. ओके नहीं ये नहीं मुझे ये गो बैक. रोटी ही सिलेक्ट करनी है मैंने. बाकी के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा कभी कभी ना कभी. चलो सेलेक्ट भी करना था सर सॉरी. तो इसको फिर सेलेक्ट करते हैं. अच्छा और ये आटा लाना पड़ेगा रेकमेंडेड. तो मैं इसको खोल के देखता हूँ. अच्छा इसको ऐसे करके रीफिल करके लिए या तो पूरी चीज़ निकाल लें या फिर यहीं से रीफिल कर लें. ईजी है वैसे उसका. हाँ ये तो है मसले मसाइल लेकिन बेयर एंड वाइन कि मैं भी एक हाथ से ऑपरेट कर रहा हूँ कैमरा और एक हाथ से ये अच्छे चैम्बर हैं बने हुए लेकिन स्पेयर नहीं देते ओनली वन. लेकिन लिखा हुआ रोटी मैटिक यूजेस ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑयल टू मेक रोटी सॉफ्टर एंड थिनर डू नॉट पुट घी इन इट. हाँ ऑयल ये मैंने सर्च जब की थी तो मैंने कहा था कि लिक्विड ज़्यादा फॉर्म का जो ऑयल है ना मतलब कैनोला ऑयल इस तरह का आपने ऑयल इस्तेमाल करना है. प्रेस ऑयल कंटेनर फॉर्मली कीप हैंड्स क्लियर. ऑब्वियसली पागल तो नहीं होगा कोई बंदा जो उसमें हाथ देगा. ये मैंने रीफिल कर दिया है आटा इधर डाला है. वॉशिंग नॉट रिक्वायर्ड सारी बात है गीला नहीं होना चाहिए ये सूखा होना चाहिए सारा. इसका पार्ट नंबर है इसमें मैंने ऑयल डाला है नॉर्मल कनोला ऑयल और इसमें मैंने हाँ ये नॉर्मल ऑयल और ये नॉर्मल आटा. अच्छा जी अब देखते हैं तो क्या पैकिंग कोई है तो नहीं कुछ ठीक लग रहा है ये सारा कुछ ठीक है. इसको बंद करें. चलो मेरे पास अब सब कुछ हो गया है सेलेक्ट अप करते हैं बिस्मिल्लाह. अच्छा यहाँ से आपसे मांगेगा कौन सा आपने आटा कंपनी इस्तेमाल की है. देखते हैं इसमें कोई पाकिस्तानी नाम है कि नहीं. अलबकर बड़ा पाकिस्तानी लग रहा है अरबी पाकिस्तानी. ओके अगर आपका कंप नहीं है तो फिर आप इस वेबसाइट पर जाएँ. ओके तो मेरे ख़्याल से जो मैंने लिया है ना वो है सुजाता फ़िलहाल. चलो वो ले लेते हैं. अब क्या करेंगे कि प्रोटीन एटलीस्ट 4 inches अवे फ्रॉम एनी सर्फिस. हाँ बिल्कुल ठीक है हवा टाइप को पास सर्फ से बैक साइड पानी से शुरू हो गया. स्टार्टिंग अप कितनी रोटियां बनानी है इसमें आप अपना कर सकते हैं. चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं अब देखते हैं ऑन क्यों नहीं हो रहा. अच्छा आपने पहले सेलेक्ट करना है कि कितनी आपको रोटियां चाहिए तो 0 out of 1 और फिर प्ले का बटन दबाएं. स्टार्ट मेकिंग रोटी ऑब्वियसली भाईजान आई एम अ लर्निंग मशीन एंड आई एम अडेप्टिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू रोटीज. योर रोटीज विल गेट इवन बेटर विद टाइम. अच्छा जी चलो देखते हैं फाइनल चेक.
अच्छा, फ्रंट डोर ओपन करना होता है। ठीक है ठीक है, सही। तो ये आपको बताता है कि अगर इफ देयर आर एनी अलर्ट्स और इश्यूज। देखते हैं, शुरू हो गया शोर मचाना। कितनी देर लगेगी अब इसका मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर तो लगनी चाहिए इसको। सिस्टम स्टार्ट हो गया, लेकिन शोर वैसे बड़ा हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है। क्यू इट आई एम नीड टू स्ट्रेच आउट आफ्टर माई लॉन्ग फ्लाइट। इट्स गोना गेट अ लिटिल नॉइज़ी इन हियर। अच्छा जी, जेट लैग जा रहा है बेचारेगा। चलो देखते हैं, उम्मीद है ये फर्स्ट टाइम वैसे जाएगा, बाद में नहीं आएगा, क्योंकि देन द सिस्टम नोज़ के स्टार्ट। ठीक है, on daily basis, weekly basis, keep hands clear of moving parts, obviously. चलो जी, अब देखते हैं कि किस तरह की रोटियाँ बनती हैं। बेहतरीन, माशा अल्लाह, सिस्टम्स आर गो। मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम यूजेज के लिए, या एवरी टाइम जब यूज़ करना है तो उसको थोड़ी देर चाहिए रेडी होने में, और देन फिर आप बस बताइए जी कितनी रोटियाँ चाहिए और आपको ये बना के ताज़ा ताज़ा देता रहेगा। वारंटी होता है माशाल्लाह, ये रेडी हो गया था और बनाना शुरू हो गया। देखिए 10 रोटियाँ मैंने सीखी और एक्साइटमेंट में जो है मैं ये चीज़ भी ले आया, अपनी प्लेट भी सजा ली, खाने के लिए रेडी है। इसने कुछ रोटियाँ पहले बना दी हैं और कुछ ड्यूरिंग दिस आप ऐड प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब जैसे अभी है 8 से नीचे नहीं बना सकता, क्योंकि उसने बना दी है। अब मैं या तो प्लस कर सकता हूँ, या अब मैं कहूँगा सिर्फ मुझे 9 चाहिए तो एक माइनस कर दूँगा तो 9 पे ही ख़त्म हो जाएगा। बन रही है रोटी अंदर, पेड़ा उधर बनता है, वो इधर से फिर फ्लैट करके उसको यहाँ पे पका देता है रोटी को। ये कैसे खुली, वेरी गुड माशाल्लाह। तो ये इस तरह बना के आपको बाहर देता रहेगा और आप उसको निकाल के अपने पैने में या फिर प्लेट में गर्मा गर्म खाना शुरू हो जाएंगे, सर्व करना शुरू कर दें। क्योंकि मैंने हीट लेवल नंबर 2 पे रखा हुआ था और इसलिए बिल्कुल कच्ची कच्ची रोटियाँ मैं नहीं खा सकता। मैंने पूरी सी तो साइज़ भी ठीक है, इट्स नॉट बैड, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बिग भी नहीं है। ये है जी रोटी मैं टिक कर रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और हमारे घर आएँ और आपको रोटियाँ बना के मैं खिलाऊँगा।